हरिद्वार में हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बालाजी धाम इब्राहिम रोड पर हजारों श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन कर छप्पन भोग लगाकर भगवान हनुमान जी के भजनों द्वारा श्रद्धांजलि देकर आनंद उठाया। वहीं पर माता भवानी का स्वागत किया गया। सोलर पढ़कर माता का स्वागत किया गया। माता भवानी ने सत्य प्रधान को भगवान हनुमान का आशीर्वाद दिया और हनुमान को अमर बताया। वहीं कई हजार श्रद्धालुओं ने माता भवानी का आशीर्वाद लेकर बालाजी धाम में कार्यक्रम का आनंद भी लिया। श्रद्धालुओं को भंडारे में आमंत्रित किया गया और कई हजार श्रद्धालुओं ने भंडारे का आनंद लेते हुए जागरण का भी आनंद लिया। माता जी बालाजी जयंती है आज, आप यहाँ पर है, आपका क्या स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ, बाला धाम मंदिर है यह बालाजी महाराज का। आज हनुमान जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला और बालाजी महाराज के दर्शन मिले। छप्पन भोग लगा है यहाँ पे और काफ़ी उल्लास से हनुमान जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। प्रकट दिवस मनाया, जन्म तो लेते नहीं है, ये दिव्य आत्मा है, ये प्रकट दिवस है और जयंती महा हनुमान जी की। और जैसे कि सनातनी धर्म में वहाँ हनुमान जी ने हमेशा सबको एक साथ लेके और सबका सहायता करने का उन्होंने रास्ता बताया। और सेवक क्या होता है, स्वामी क्या होता है और भगत क्या होता है और समर्पण क्या होता है, समर्पण का पूरा प्रतिबिंब देखेंगे तो हम हनुमान जी के अंदर देखेंगे हम। क्योंकि जिन्होंने राम की नैया पार लगाई, सीता की सुधी बताई और बताए कि साधना तपस्या भक्ति क्या होती है, तो हमारे और इसमें महादेव का भी इनका आशीर्वाद था और राम जी का भी आशीर्वाद था कि हनुमान जी पृथ्वी पर जब तक पृथ्वी है जब तक वो हैं रहेंगे। और क्योंकि इनका स्वरूप हर जगह है। आपका यहाँ पे स्वागत हुआ यार, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखो, अपनों के बीच में आना, हनुमान भक्तों के बीच में आना, सनातनियों के बीच में आने से सबको अच्छा लगता है। मेरा समाज है, मैं इस समाज से हूँ और काफ़ी अच्छा है कि हर उल्लास से उन्होंने मना रहे हैं। ये नहीं, ये भक्ति भाव है, हिंदुस्तान है, सबको लेके चलने वाला है और ये हमारे हनुमान जी की जयंती है और हम हंसी खुशी मना रहे हैं। जय श्री।